अगस्त को जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस रिलीज होने जा रही है। बाटला हाउस की टीम प्रमोशन में जुटी है। जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर और रवि किशन बाटला हाउस को प्रमोट करने कपिल शर्मा शो में पहुंचे। इस दौरान जॉन अब्राहम ने बताया कि एक बार उनकी मां को शूटिंग के वक्त सच में लगा था कि उन पर हमला हो गया है। कपिल ने जॉन से पूछा कि एक फिल्म के फाइट सीन के दौरान जॉन की मां सड़क के पास से निकल रही थी, तब उनकी मां को लगा कि मेरे बेटे पर सच में हमला हो रहा है, क्या ऐसा सच में हुआ है या अफवाह है? जवाब में जॉन ने कहा, हाँ ये सच है। फिल्म टैक्सी नंबर 9211 के एक एक्शन सीन में सड़क पर शूटिंग हो रही थी, तभी माँ वहाँ से निकल रही थी। मैं जमीन पर था और गाड़ी सामने से आ रही थी, तभी सामने से मम्मी आई और बोली, अरे मारो डिक्रो, मारो डिक्रो। रोमियो अकबर वॉल्टर के बाद ये जॉन अब्राहम की इस साल रिलीज हो रही दूसरी फिल्म है। बॉक्स ऑफिस पर बाटला हाउस का क्लैश अक्षय कुमार की मिशन मंगल से हो रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं जब जॉन अब्राहम और अक्षय कुमार की फिल्में आपस में क्लैश हो रही हैं, लेकिन दोनों एक्टर्स इस क्लैश को लेकर चिल हैं। अक्षय जॉन में अच्छी दोस्ती भी है। पिछले दिनों दोनों की फोटो खूब वायरल हुई थी। बताते चले, जब बाटला हाउस का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। ये मूवी एनकाउंटर की सच्ची घटना पर आधारित रही है। फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन 18 से 20 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। बाटला हाउस 2008 में दिल्ली के जामिया नगर में हुए विवादित एनकाउंटर पर बेस्ड है। देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस करती है।